फाइनली गाइस हमारा ऊँट चल पड़ा है और हमें ये इस बात का डर है कि कहीं चलते चलते वो जेठालाल की तरह पाकिस्तान में ना निकल जाए। तो आप देख सकते हैं सवारी उसकी। सो हेलो एवरीवन, केम छो बधा, स्वागत है तमारा बधानू नो वीडियो नी अंदर। तो आज आपके भाई का है जन्मदिवस और हम लोग अभी आए हैं मूल द्वारका और फिर जाने वाले हैं सोमनाथ। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप हिंदी में ब्लॉग बनाए के लिए, तो ठीक है अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके ट्राई करते हैं आज, और आज हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेट करने का। तो हम लोग निकलते हैं आगे। फिलहाल हम लोग आए हैं मूल द्वारका में समुद्र किनारे और अभी जल्दी फटाफट निकलना है सोमनाथ के लिए। तो चलिए फटाफट इधर से निकलते हैं। और इधर हमने सोचा था कि इधर द्वारकाधीश का मंदिर होगा, कृष्ण कन्हैया का मंदिर होगा, लेकिन इधर माता जी का मंदिर है, हरसिद्धि माँ और खोड़ियार माता जी का मंदिर, और फिर पीछे है वो हनुमान दादा का मंदिर है, और काफ़ी सारे इधर मंदिर है, लेकिन हमने जो सोचा था वो इधर नहीं है, द्वारकाधीश का मंदिर। तो चलिए निकलते हैं अभी सोमनाथ के लिए। वीडियो तो फाइनली गाइस अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ। तो रास्ते में कहीं रुक कर कपड़े सब वो गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी सब उठ गई, तो हमने चेंज कर लिया और फ्रेश होकर अभी आ गए सोमनाथ मंदिर की ओर। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो सोमनाथ का गेट है, सोमनाथ मंदिर का। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ और बीच की तरफ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेगा, हम आगे मिलते हैं। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है तो हमको बाहर रख के जाना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे दिखते हो सोमनाथ मंदिर है और अभी मोबाइल और पैकेट सब वो जमा करने जाना है। तो जब बीच पे चलेंगे तो फिर से शूटिंग चालू करेंगे। तो मिलते हैं समुद्र किनारे, महादेव के दर्शन के बाद इधर पीछे भोजनालय है, वहाँ फ्री में प्रसादी मिलती है। तो जब भी आप आओ सोमनाथ तो प्रसादी लेना मत भूलना, कि अभी हमें नया शुरू हुआ है और ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो मिलते हैं गाइस अभी बीच पे। तो फाइनली गाइस भोजन करके हमारी टूटी फूटी हिंदी को लेकर हम आ पहुँचे हैं अभी सोमनाथ बीच पे। धूप बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी इतनी हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा है, हिंदी तो निकल ही नहीं रही है। और अभी ऊँट की सवारी करनी है, तो देखते हैं इसमें किस तरह कैसा मज़ा आता है। तो आपको एक काम करना है, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर हमारी हिंदी की तरह वो उसको भी आपको तोड़ देना है, उसको भी तोड़ फोड़ देना है। तो बस आप ये काम कर दो, हम अभी ऊँट पर बैठने जाते हैं। तो फिलहाल हमारा ऊँट रेडी है सवारी के लिए और को बिठा रहे हैं।
हमें ये इस बात का डर है कि कहीं चलते चलते वो जेठालाल की तरह पाकिस्तान में ना निकल जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी ऊंची गिरने वाला था, अभी देखते हैं। तो फाइनली गाइस बीच पे एंजॉय कर लिया और उन पे भी बैठ लिया। तो अभी हमारे पीछे जो हनुमान जी महाराज हैं उनके दर्शन करके उनके फोटो खींचा के फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, બ્લોગ ને આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ એની પહેલા ગિફ્ટ નું અનબોક્સિંગ કરી નાખીએ। તો થેન્ક યુ સો મચ આપ સૌને, તમને બધા લોકોને, ખાસ મયુરી વાજાને ગિફ્ટ માટે, અને તમને બધાને પણ જેમ કે જે લોકોએ મને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સઅપ દ્વારા, યુટ્યુબની કમેન્ટ દ્વારા જે લોકોએ જન્મદિવસે વિશ કરી છે બધાનું હું આભાર માનું છું। અને આ સૌએ જે પ્રેમ આપ્યો છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર, આજે આપણી ચેનલ પર 1000 થી વધારે સબ્સ્ક્રાઈબર છે અને આપણે 2000 કરવાના છે, પછી 10000 કરવાના છે। તો આમને આમ સપોર્ટ કરતા રહેજો, આપનો પ્રેમ આપતા રહેજો। તો મળીએ આગલા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।